नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने प्रोग्राम देश डायरी में। मैं हूँ साबिता ठाकुर, एक बार फिर से हाजिर हूँ आपसे जुड़ी उन तमाम सूचनाओं, हलचल और खबरों के साथ जो आपके लिए फायदेमंद है। बात कृषि की हो, आपके गांव की हो, स्वास्थ्य की या फिर पर्यावरण से जुड़ी हुई, हम हर मुद्दे से जुड़ी हुई जानकारी आप तक इस प्रोग्राम के जरिए पहुंचाएंगे। तो फिर देर किस बात की है, आइए करते हैं शुरुआत और जानते हैं कि देश डायरी के पन्नों में क्या है खास। आज हम बात करेंगे भारत में सोयाबीन उत्पादन की, जानेंगे स्टील उत्पादक देश के बारे में, समझेंगे कि काली मिर्च की अगली फसल को लेकर किसानों की चिंताएं क्यों बढ़ रही हैं, और साथ ही बताएंगे पूरे देश को जापान का प्रसिद्ध बासमती चावल देने वाले राज्य के बारे में। देश में इस वर्ष खरीफ सत्र के दौरान सोयाबीन की पैदावार करीब 57% बढ़कर 109 लाख टन के आसपास रहने का अनुमान लगाया गया है। इस बार 109.71 लाख हेक्टेयर में इस तिलहन फसल की बुआई की गई है। मौजूदा खरीफ सत्र में अच्छे मॉनसून के चलते सोयाबीन की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता 992 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रहने का अनुमान है, जो कि पिछले सत्र में प्रतिकूल मौसम के हालात के कारण 626 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से कम है। देश के सबसे बड़े सोयाबीन उत्पादक मध्य प्रदेश में मौजूदा खरीफ सत्र में तिलहन फसल की 55.86 लाख टन पैदावार का अनुमान है। इस खरीफ सत्र के दौरान महाराष्ट्र में 36.06 लाख टन, राजस्थान में 9.07 लाख टन, आंध्र प्रदेश व तेलंगाना में 2.14 लाख टन, कर्नाटक में 2.21 लाख टन, छत्तीसगढ़ में 1.17 लाख टन, गुजरात में 1.24 लाख टन और अन्य राज्यों में 1.01 लाख टन सोयाबीन उत्पादन का अनुमान लगाया गया है। निचले इलाकों के खेतों में वर्षा का पानी भर जाने से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के 5-10% रकबे में सोयाबीन की फसल को नुकसान हुआ है। भारत स्टील उत्पादन में दिसंबर तक दूसरा सबसे बड़ा देश बन जाएगा। मंत्रालय की ओर से किए गए समझौते के तहत जल्द ही ज्वाइंट वेंचर के अंतर्गत स्टील उत्पादन का एक नया प्लांट लगाया जाएगा, जिसकी क्षमता 10 लाख टन होगी। भारत स्टील उत्पादन में दिसंबर तक दूसरा सबसे बड़ा देश बन जाएगा। मंत्रालय की ओर से किए गए समझौते के तहत जल्द ही ज्वाइंट वेंचर के अंतर्गत स्टील उत्पादन का एक नया प्लांट लगाया जाएगा, जिसकी क्षमता 10 लाख टन होगी। इस प्लांट में बने ज्यादातर इस्पात को निर्यात किया जाएगा। इससे देश में विदेशी मुद्रा भी बढ़ेगी। इस प्लांट में बनाया गया स्टील उच्च गुणवत्ता वाला होगा, जिसे गाड़ियों और वैज्ञानिक उपकरणों में प्रयोग किया जाएगा। इस श्रेणी में चीन सबसे आगे है और जापान दूसरे और भारत तीसरे स्थान पर है। चीन में भारत से 5 गुना ज्यादा उत्पादन होता है, जबकि विश्व के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक देश जापान में भारत से 4 मिलियन ज्यादा उत्पादन हो रहा है। मॉनसून के जल्दी चले जाने से दक्षिण भारत में काली मिर्च की अगली फसल को लेकर किसानों की चिंताएं बढ़ रही हैं। हालांकि इसकी पैदावार पिछले साल के तुलना में इस साल 14% ज्यादा रहने की उम्मीद है। मॉनसून के जल्दी चले जाने से दक्षिण भारत में काली मिर्च की अगली फसल को लेकर किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। हालांकि इसकी पैदावार पिछले साल की तुलना में इस साल 14% रहने की उम्मीद है। मसाला इंडस्ट्री का कहना है कि सितंबर और अक्टूबर में बारिश के कमजोर पड़ने से प्रोडक्शन इंटरनेशनल पेपर कम्युनिटी यानी कि IPC के अनुमान से काली मिर्च का उत्पादन काफी कम रह सकता है। IPC ने इसकी पैदावार 55,000 टन रहने की आशंका जताई है। वहीं बाफाना इंटरप्राइजेस का कहना है कि पिछले 1 महीने से बिल्कुल बारिश नहीं हुई है, इससे काली मिर्च की खेती करने वाले किसान चिंतित हैं। कर्नाटक और केरल काली मिर्च के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। गौरतलब है कि पिछले साल कुल 28,100 टन काली मिर्च निर्यात की गई थी, इससे कुल 1,730 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हासिल हुआ था। हालांकि इस साल छोटी इलायची के उत्पादन में भी कमी आने की आशंका है। चंडीगढ़ में मधुमक्खी पालन का व्यवसाय खेती के सहायक व्यवसाय के तौर पर काफी फायदेमंद साबित हो रहा है। शहद की मधुमक्खियों के व्यवसाय से ज्यादा लाभ होने के कारण किसानों का इस साल व्यवसाय की तरफ दिन प्रतिदिन रुझान बढ़ता जा रहा है।
चंडीगढ़ में मधुमक्खी पालन का व्यवसाय खेती के सहायक व्यवसाय के तौर पर काफी लाभप्रद साबित हो रहा है। कृषि विभाग के सरकारी प्रवक्ता का कहना है कि कम भूमि वाले किसानों के लिए मधुमक्खी पालन एक लाभप्रद व्यवसाय है। पहले शहद की ज्यादा मार्केटिंग न होने से किसानों को निराशा का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब देशी और विदेशी कंपनियों की मार्केट बढ़ने से मधुमक्खी पालन के किसानों के लिए शहद बेचना सरल हो गया है। मधुमक्खी पालन व्यवसाय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने मधुमक्खी प्लांट बनाने की शुरुआत कर दी है, जिससे राज्य के किसानों को इस व्यवसाय में सफलतापूर्वक प्रोत्साहन मिलेगा। एक बार फिर बढ़ती महंगाई ने गरीबों के होश उड़ा दिए हैं। जहां एक ओर अरहर दाल में गिरावट आई है, वहीं दूसरी तरफ चना दाल में भारी वृद्धि देखने को मिल रही है। एक माह के अंदर चना दाल करीब 40 रुपए प्रति किलो तक महंगी हो गई है। एक बार फिर बढ़ती महंगाई ने गरीबों के होश उड़ा दिए हैं। जहां एक ओर अरहर दाल में गिरावट आई है, वहीं दूसरी तरफ चना दाल में भी भारी वृद्धि देखने को मिली है। इसकी सबसे बड़ी वजह है त्योहारों के सीजन में चना दाल की मांग बढ़ने से इस साल चना दाल के भाव तुअर दाल से भी आगे निकल गए हैं। इस माह के अंदर चना दाल करीब 40 रुपए प्रति किलो तक महंगी हो गई है। कारोबारियों का कहना है कि कई सालों बाद पहली बार चना दाल तुअर दाल से महंगी हुई है। इसका असर बेसन के दाम पर भी पड़ा है। बेसन 130 रुपए प्रति किलो महंगा हो गया है, जो सितंबर महीने में 100 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा था। इसके साथ ही मूंग दाल 100 रुपए प्रति क्विंटल और मसूर दाल 50 रुपए प्रति क्विंटल महंगी हुई है। हालांकि केंद्र सरकार का कहना है कि दाल के दाम आने वाले एक महीने में तो कम होने वाले नहीं है, यानी आपको एक महीना और महंगी दाल खानी पड़ेगी। उरी हमले के बाद गुजरात के सब्जी व्यापारियों ने एक अहम फैसला लिया है। इन्होंने पाकिस्तान में सब्जियों का निर्यात बंद करने का ऐलान किया है। इससे व्यापारियों को करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। भारत पाकिस्तान सीमा पर तनाव की वजह से गुजरात के सब्जी व्यापारियों ने एक अहम फैसला लेते हुए उन्होंने पाकिस्तान में सब्जियों का निर्यात बंद कर दिया है, खास तौर पर टमाटर और मिर्च। इस कारण गुजरात के किसानों और सब्जी व्यापारियों को रोजाना करीब 3 करोड़ का नुकसान हो रहा है। मगर किसानों व व्यापारियों का कहना है कि राष्ट्र हित के लिए वे मोदी जी के साथ हैं। अहमदाबाद के जनरल कमीशन एजेंट एसोसिएशन के महासचिव अहमद पटेल ने कहा है कि रोज गुजरात से 10 टन सब्जियों के साथ 50 ट्रक पाकिस्तान जाते थे, मगर दोनों देशों के बीच तनाव को देखते हुए हमने 2 दिनों से वाघा बॉर्डर से टमाटर, नींबू और मिर्च को भेजना बंद कर दिया है। ऐसा 1997 के बाद ये पहला मौका है जब गुजरात के व्यापारियों ने पाकिस्तान में सब्जियां भेजना बंद कर दिया है। उन्होंने कहा है, हम तब तक पाकिस्तान में सब्जियां नहीं भेजेंगे जब तक दोनों देशों के बीच रिश्ते सामान नहीं हो जाते। एग्रो कनेक्ट ऐप के बारे में बताएंगे आपको, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। एग्रो कनेक्ट ऐप पर अब तक 7,000 से ज्यादा किसान जुड़ गए हैं। फसल सुरक्षा सेक्शन में फसलों को लगने वाली बीमारियों की जानकारी दिनों के हिसाब से बताई गई है। फीड सेक्शन में सभी किसान बंधु अपने सवालों पर अन्य प्रगतिशील किसानों विशेषज्ञ सलाहकारों के साथ भी चर्चा कर सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है देश डायरी में। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के चलते पाकिस्तान टी एसोसिएशन के सदस्य कारोबार के सिलसिले में भारत टी एक्सपोर्टर्स से मिलने के लिए कोलकाता पहुंचे हैं। हालांकि पड़ोसी देशों ने चाय के ऊंचे दामों की वजह से असम और पश्चिम बंगाल से चाय खरीदने के लिए कोई वादा नहीं किया है। पिछले कुछ समय से डिमांड कम होने से असम और पश्चिम बंगाल की क्वालिटी टी के प्राइसेस साल दर साल 5% तक गिर गए हैं। कोलकाता के कुछ टी एक्सपोर्टर्स का मानना है कि भारत की ओर से पीओके में सर्जिकल हमले के बाद यह असम और पश्चिम बंगाल से टी का डिमांड कम हुआ है। पाकिस्तान दक्षिण भारत से 90 रुपए प्रति किलोग्राम के प्राइस पर चाय खरीद रहा है। इस रेट पर असम और पश्चिम बंगाल में प्रोड्यूस होने वाली टी का एक्सपोर्ट करना संभव नहीं है। 2016 के पहले 7 महीनों में पाकिस्तान को भारत से टी एक्सपोर्ट पहले ही 29% घटकर 65.5 लाख किलोग्राम पर आ गया है, जो पिछले साल की इस अवधि में 92.2 लाख किलोग्राम था। इंडियन टी एसोसिएशन के चेयरमैन आजम मुनीम ने कहा है कि ये आंकड़ा आने वाले महीनों में और गिर सकता है। अगर सरकार हमें पाकिस्तान के साथ चाय का व्यापार बंद करने के लिए कहती है तो हम ऐसा करने के लिए तैयार हैं।
मध्य प्रदेश में आपदा पीड़ितों को मदद के तौर पर दिए जाने वाले खाद्यान्न का मामला हो या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन दुकानों से सस्ती दर पर दिए जाने वाले खाद्यान्न की बात, हर तरफ गुणवत्ताहीन और मिलावटी खाद्यान्न बांटने के मामले सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में आपदा पीड़ितों को मदद के तौर पर दिए जाने वाले खाद्यान्न का मामला हो या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन दुकानों से सस्ती दर पर दिए जाने वाले खाद्यान्न की बात, हर तरफ गुणवत्ताहीन और मिलावटी खाद्यान्न बांटने के मामले सामने आ रहे हैं। नया मामला डिंडौरी जिले का है, जहां राशन दुकानों से गुणवत्ताहीन गेहूं व चावल बांटे जा रहे हैं। पिछले दिनों डिंडौरी जिले की राशन दुकानों से गुणवत्ताहीन व मिलावटी गेहूं व चावल बांटे जाने की शिकायतें आई थी। इस पर जिलाधिकारी अमित तोमर ने राशन दुकानों के लिए नागरिक आपूर्ति निगम द्वार वेयर हाउस में संग्रहित किए गए गेहूं और चावल की जाँच कराई तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। इससे पहले राजधानी भोपाल में भी बाढ़ पीड़ितों को जो खाद्यान्न बांटा गया था उसमें बड़ी मात्रा में मिट्टी मिली हुई थी। इसके अलावा जांच करने पर भी बोरियों में मिट्टी व पत्थर मिले हुए गेहूं मिले। हरियाणा में फरीदाबाद एकमात्र ऐसा जिला बनने जा रहा है जो पूरे देश को जापान का प्रसिद्ध बासमती चावल देगा। ग्रेटर फरीदाबाद के गांव ददसिया में प्रगतिशील किसान की उपाधि पाने वाले धर्मपाल त्यागी ने अपने खेतों में पहली बार जापान के बासमती चावल को उगाया है। हरियाणा के ग्रेटर फरीदाबाद के गांव ददसिया में प्रगतिशील किसान की उपाधि पाने वाले धर्मपाल त्यागी ने अपने खेतों में पहली बार जापान के बासमती चावल को उगाया है। निरीक्षण के लिए उत्तर प्रदेश से KBRL लिमिटेड कंपनी के मालिक सहित अन्य सदस्य भी पहुंचे। KBRL कंपनी पूरे विश्व में बासमती चावल के बीज का निर्यात करती है, जिसके कई किस्म धर्मपाल त्यागी ने अपने फॉर्म में लगाई हुई है। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए KBRL लिमिटेड कंपनी के मैनेजर विजेंद्र त्यागी ने कहा कि कंपनी फरीदाबाद में कई प्रकार की अच्छी गुणवत्ता वाले बासमती चावल के बीज उगा रही है। इसे अगले साल किसानों तक पहुंचा दिया जाएगा। गाजियाबाद और नोएडा से निरीक्षण करने के लिए उनके खेतों में टीम आई है, क्योंकि इन्होंने पहली बार जापान के बासमती चावल का ट्रायल किया है, जिसकी फसल होने पर उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब सहित अन्य कई प्रदेशों को अच्छी किस्म के बासमती चावलों के बीज मिल पाएंगे। आज के दौर में हर एक क्षेत्र में टेक्नोलॉजी और सोशल नेटवर्किंग का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इससे एग्रीकल्चर सेक्टर कैसे पीछे छूट सकता है? किसानों की मदद के लिए कुछ IIT के इंजीनियर्स ने मिलकर एक एग्रो कनेक्ट नाम का ऐप बनाया है। आइए जानते हैं इस ऐप के बारे में। किसानों की मदद के लिए कुछ ITI के इंजीनियरों ने मिलकर एक एग्रो कनेक्ट नाम का ऐप बनाया है। एग्रो कनेक्ट ऐप के जरिए अब सभी किसान आपस में जानकारी साझा कर सकते हैं। एग्रो कनेक्ट ऐप पर अब तक 7,000 से ज्यादा किसान जुड़ गए हैं। फसल सुरक्षा सेक्शन में फसलों को लगने वाली बीमारियों की जानकारी दिनों के हिसाब से बताई गई है। फीड सेक्शन में सभी किसान बंधु अपने सवालों पर अन्य प्रगतिशील किसानों, विशेषज्ञ सलाहकारों के साथ भी चर्चा कर सकते हैं। इसके साथ साथ किसान इसमें नए बीज की वैरायटीज, पेस्टिसाइड्स, खाद के बारे में भी जानकारी साझा कर सकते हैं। इससे सभी किसान अपनी फसल की उपज को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा इसमें मंडी भाव सेक्शन में देश भर की कोई भी मंडी में भाव जाना जा सकता है। किसानों की जरूरत को देखते हुए एग्रो कनेक्ट ऐप में जल्द ही नई खरीद बिक्री सेक्शन का भी प्रबंध किया जाएगा, जिससे किसान किसी भी प्रकार की एग्रीकल्चर मशीनरी और पशुओं की खरीद बिक्री किराए पर भी एक दूसरे को दे सकेंगे। कृषि विभाग जामताड़ा जिले को फूलों से गुलजार करने एवं यहाँ के किसानों को इसके लिए प्रेरित करने में जुट गया है। इस जिले में 400 वर्ग मीटर खेत में जरबेरा और कार्नेशन फूल की खेती की जाएगी। जी हाँ, इसी माह में ही इन फूलों की खेती आरंभ हो जाएगी। कृषि विभाग जामताड़ा जिले को फूलों से गुलजार करने एवं यहाँ के किसानों को इसके लिए प्रेरित करने में जुट गया है। चयनित खेतों में पॉली हाउस निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। पॉली हाउस में ही जरबेरा एवं कार्नेशन फूलों की खेती की जाती है। कुछ माह बाद यहां के फूल
हाट बाजारों में बिकने शुरू हो जाएंगे। जामताड़ा जिले में पहली बार 4000 वर्ग मीटर में विदेशी फूलों की खेती की जा रही है। जिले के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से विभाग ने उन्हें फूलों की खेती करने के लिए प्रेरित किया है। जरबेरा व कार्नेशन के फूल रंग बिरंगे एवं आकर्षक होते हैं। ये फूल एक नज़र में ही लोगों का मन मोह लेते हैं। इसके एक एक फूल की कीमत बाजार में करीब 8 से 10 रुपए होती है। कृषि विभाग की माने तो अगर किसान 400 हेक्टेयर में जरबेरा एवं कार्नेशन फूलों की खेती करे तो उनकी आमदनी कई गुना बढ़ सकती है। इस योजना के तहत चोरब हिंगा गाँव, नारायणपुर प्रखंड के तारा चटिया गाँव, डुमरिया एवं कठबरारी गाँव में इन फूलों की खेती की जाएगी। इसकी सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। विशेष फसल योजना के तहत फूल उत्पादन की योजना वित्तीय वर्ष 2016-17 में ली गई है। जामताड़ा जिले को पहली बार इस योजना के तहत 4000 वर्ग मीटर में फूलों की खेती का लक्ष्य है। इस जिले में वैज्ञानिक तरीके से फूलों की खेती की जाएगी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है बताएंगे आपको, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। श्री राधा मोहन सिंह ने राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम के पहले चरण को सफलतापूर्वक पूरा करने की घोषणा की है और ई नाम मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस अवसर पर कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला उपस्थित रहे। पहले चरण में ई नाम से 250 मंडियां जुड़ी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है देश डायरी में। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह ने राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम के पहले चरण को सफलतापूर्वक पूरा करने की घोषणा की है। इसके साथ ही इन्होंने किसानों के लिए एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है। इस अवसर पर कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला भी उपस्थित रहे। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री राधा मोहन सिंह ने राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम के पहले चरण को सफलतापूर्वक पूरा करने की घोषणा की है और ई नाम मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस अवसर पर कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला उपस्थित रहे। पहले चरण में ई नाम से 250 मंडियां जुड़ी। राधा मोहन सिंह ने कहा कि मुझे ये घोषणा करते हुए गर्व है कि सभी स्टेक होल्डर्स और खासकर अधिकारियों की पूर्ण रूप से भागीदारी से यह कार्यक्रम सफल हो रहा है और सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। इस ई नाम ऐप से किसानों को अधिक लाभ मिलेगा और किसानों को राष्ट्रीय मंडी तक पहुंचने में मदद मिलेगी। पायलट चरण में आए अधिकतर मुद्दों का समाधान कर लिया गया है। अब तक ई नाम ऐप आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है। फ्रेट कॉरिडोर के लिए अधिकृत जमीन के मुआवजे के लिए किसान 17 अक्टूबर को रेल का चक्का जाम करेंगे। मैना मौजपुर गांव में चल रहे धरने के 33वें दिन किसानों ने यह ऐलान किया है कि दिल्ली हावड़ा ट्रैक को रोक दिया जाएगा। फ्रेट कॉरिडोर के लिए अधिकृत जमीन के मुआवजे के लिए किसान 17 अक्टूबर को रेल का चक्का जाम करेंगे। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के मैना मौजपुर में फ्रेट कॉरिडोर के लिए अधिकृत जमीन के मुआवजे की मांग को लेकर किसानों का गुस्सा बढ़ता ही चला जा रहा है। मैना मौजपुर गांव में चल रहे धरना स्थल पर अजय चौधरी ने कहा है कि उचित मुआवजे की मांग को लेकर धरने पर बैठे 33 दिन बीत चुके हैं, लेकिन शासन और प्रशासन की ओर से कोई नहीं आया। 18 गांवों की हुई पंचायत में सर्व समिति ने निर्णय लिया है कि जंक्शन स्टेशन के पास 17 अक्टूबर को रेल का चक्का जाम किया जाएगा। इस दौरान भारतीय किसान सभा के पदाधिकारियों ने इसका समर्थन किया है और पूरा सहयोग करने का ऐलान किया है। छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव में जहां सावन और भादों में मानसून ने किसानों को खूब तरसाया, अब वहीं माघ में हो रही भारी बारिश ने किसानों की चिंता को कई गुना बढ़ा दी है। इनकी परेशानी की वजह यह है कि धान की फसल जो बर्बाद होने की कगार पर खड़ी हो गई है। छत्तीसगढ़ के किसान पहले उम्मीद से कम बारिश होने की वजह से परेशान थे, लेकिन अब वहीं इसके विपरीत भारी बारिश ने किसानों के तनाव को और बढ़ा दिया है। हालांकि अब धान की कटाई शुरू होने वाली है, लेकिन ज्यादा बारिश होने से खेतों में धान की फसल पानी में डूब गई है। धान के साथ ही उड़द व सोयाबीन की फसल पर भी बुरा असर पड़ा है। क्षेत्र में हफ्ते भर से हो रही बारिश से धान, उड़द,
सोयाबीन की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। यानी जब पानी नहीं था तब भी किसान परेशान थे और अब पानी की अधिकता से भी किसान परेशान हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। दिल्ली NCR में फूलों की मांग साल दर साल बढ़ती जा रही है, लेकिन जिले में फूलों की खेती का दायरा लगातार सिमट रहा है। गुलाब और गेंदा को छोड़कर अन्य फूलों की खेती का क्षेत्र ना के बराबर रह गया है। दिल्ली NCR में फूलों की मांग साल दर साल बढ़ती जा रही है, लेकिन जिले में फूलों की खेती का दायरा लगातार सिमट रहा है। गौतम बुद्ध नगर में कृषि योग्य भूमि लगातार कम हो रही है। किसानों के लिए उन फसलों की खेती फायदेमंद है जिनके लिए अधिक जमीन की जरूरत ना होने के साथ ही बाजार में कीमत भी अच्छी मिल सके। फूलों की खेती इनमें से एक है। दिल्ली NCR में फूलों की जबरदस्त मांग है। जिले में कुछ साल पहले तक किसान फूलों की खेती को अधिक तवज्जो दे रहे थे। गुलाब, गेंदा, ग्लैडुलस, रजनीगंधा आदि की खेती बड़े पैमाने पर होती थी, लेकिन खेती का दायरा लगातार कम होता जा रहा है। हालांकि इनकी मांग बढ़ रही है, लेकिन खेती की जमीन कम होने की वजह से गुलाब व गेंदा तक की खेती भी सिमट गई है। यहां 70 से 80 हेक्टेयर में गुलाब व गेंदे की खेती की जाती है। इसके लिए उद्यान विभाग फूलों की खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने में जुटा है। सरकारी योजनाओं के तहत किसानों को अनुदान से लेकर फूलों के बीज, जरूरी प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था कराई जा रही है। किसानों को पॉली हाउस में फूलों की खेती के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के भदोही क्षेत्र के किसानों को सब्जियों की खेती के प्रति आकर्षित करने के लिए शासन स्तर से अनुदान पर खेती का लक्ष्य तय कर दिया गया है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत कृषकों को भारी भरकम अनुदान राशि देने की व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश के भदोही क्षेत्र के किसानों को सब्जियों की खेती के लिए आकर्षित करने के लिए शासन स्तर से अनुदान पर खेती का लक्ष्य तय कर दिया गया है। इसके लिए जिला उद्यान विभाग की ओर से किसानों के चयन को लेकर कवायद शुरू हो गई है। परंपरागत गेहूं धान की खेती के साथ सब्जियों की खेती के लिए भी किसानों को प्रेरित करने के लिए शासन गंभीर है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत किसानों की खेती में राहत देने के लिए अनुदान देने की व्यवस्था की गई है। जिला उद्यान अधिकारी BL राम ने कहा है कि योजना के तहत 55 हेक्टेयर क्षेत्र में सब्जियों की खेती कराने का लक्ष्य तय किया गया है। किसानों को 1 से लेकर 4 हेक्टेयर क्षेत्रफल में संकर लौकी, करेला, तोरई व खीरे की खेती करने पर अनुदान का लाभ मिलेगा। खेती में कृषक द्वारा क्रय किए गए निवेश की राशि किसानों को दी जाएगी। अनुदान राशि सीधे इनके खातों में भेजी जाएगी। तो दोस्तों, आज की देश जारी में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ और नई जानकारियों, सूचनाओं और खबरों के साथ। तब तक कृषि से जुड़ी तमाम हलचलों के लिए आप देखते रहिए ग्रीन TV। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।